प्यारे दोस्तों, जैसे कि आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट में बाटनी के फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं कि पहला आर्किगोनाइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्किगोनाइट्स है क्या चीज़? आर्किगोनाइट्स में हम लोग देखते हैं कि ब्रायोफाइट आता है, टेडोफाइट आता है और जिम्नोस्पर्म आते हैं। आर्किगोनाइट्स में तीन वर्ग में आप उसको देख लिए हैं। आज हम उसी से फर्स्ट ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। ब्रायोफाइट में जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, ब्रायोफाइट के हम सामान्य जो उनके लक्षण हैं उनकी चर्चा करते हैं कि ब्रायोफाइट के क्या लक्षण हैं। इसके पहले हम लोगों ने एल्गी के विषय में पढ़ लिया। एल्गी के विषय में फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने जाना, उसके विषय में पढ़ा, लाइफ साइकिल से लेकर जनरल कैरेक्टर से लेकर सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसके आगे जब डेवलप कुछ प्लांट हुआ तो उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि यह जो ब्रायोफाइट्स होते हैं यह किस प्रकार के कैरेक्टर रखते हैं, किस प्रकार के इनमें लक्षण हैं। देखिए, किसी चीज़ को जानने से पहले हम उसके कैरेक्टर जानते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल का कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर आप पूछते हैं, एनिमल है, प्लांट, किसी की कैरेक्टर आप पूछेंगे तो आप सारी विशेषताएं बताएंगे कि वह किस प्रकार कहाँ रहता है, क्या उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो अपना जीवन चक्र उसका कैसा होता है, तो सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो हम लोग पॉइंट 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 टू पॉइंट देखेंगे कि जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स तो ब्रायोफाइट का जनरल कैरेक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट अकर, मतलब पौधा कहाँ रहता है। देखिए, जब कैरेक्टर में हम देखेंगे कि कौन कहाँ रहता है, पहले उसकी बात करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि एल्गी जो है कहाँ, अधिकतर एल्गी जो कहाँ पाए जाते थे, जल में पाए जाते, वाटर में पाए जाते थे। अब लेकिन यह डेवलप प्लांट है तो ये कुछ पौधे प्लांट सैडी प्लेस पे आए, मतलब कुछ सैडी प्लेस में आए, छाए वाले स्थान, नदियों के किनारे जहाँ पे नमी पाई जाती है, ऐसे स्थानों पाए जहाँ पानी किनको भी ज़रूरत है, लेकिन ये जो है नमी वाले प्लेस पे आए, डैम एंड सेडेड एरियाज, मतलब जहाँ पे गड्ढे हो, पास में नमी हो, ऐसे स्थानों पर वहाँ पे पाए जाते हैं। कौन? ब्रायोफाइट्स। इसीलिए इन्हें एम्फीबियन प्लांट कहा जाता है, इन्हें एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। जैसे आप मेढक को जानते हैं, वह जंतु है, जल और थल दोनों पे रह लेता है, तो इस प्रकार की कैरेक्टर किसमें पाए जाते हैं, एम्फीबियन प्लांट। पौधों की बात पूछी की जाए, एम्फीबियन पौधों की बात की जाए तो ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं एम्फीबियन प्लांट होते हैं, मतलब जल और थल दोनों पे रहते हैं, जल और थल दोनों पे रहते हैं। प्लांट अगर डैम पैन सेडेड एरियाज, मतलब ये पौधे जो है कहाँ पाए जाते हैं, डैम जो गड्ढे हो, आसपास किनारे हो, नदियाँ हो, उसके पास और सेडेड एरिया, सेडेड जहाँ छाया हो, नमी हो, वहाँ उस स्थान पाए जाते हैं। तो मैंने बताया कि ये एम्फीबियन प्लांट होते हैं। इसके आगे आएगा तो प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है। जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा एल्गी में प्लांट बॉडी जो होते थे थैलस स्ट्रक्चर होता है, और थैलस स्ट्रक्चर जो है ब्रायोफाइट्स भी होते हैं। थैलस क्या है, जिसमें रूट, स्टेम एंड लीफ क्या हो, डिफ्रेंटिएट ना कर सके हम लोग। जैसे किसी पौधे, कोई ऐसा पौधा है आप नॉर्मल पौधे देखते हैं, उसमें रूट, लीफ और रूट को हम डिफरेंट कर सकते हैं कि हाँ ये लीफ है, ये रूट है, ये स्टेम है। तो ऐसे पौधे जिसको हम डिफरेंटिएट ना कर सकें, ऐसे पौधों को थैलस कहते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, थैलस लाइक होते हैं, मतलब थैलस के लाइक होते हैं, लेकिन थैलस से एडवांस होते हैं। थैलस के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये थैलस के एडवांस, थैलस से एडवांस होते हैं, एल्गी से एडवांस होते हैं, एल्गी से एडवांस प्लांट होते हैं। प्रोस्टेट एंड इरेक्ट होते हैं। प्रोस्टेट मीन्स ये जमीन पे अटैच होकर भी बढ़ते हैं और इरेक्ट भी होते हैं, सीधे भी खड़े रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि एल्गी में जो पौधे होते थे वो कैसे होते थे, एल्गी में जो पौधे होते थे वो अधिकतर प्रोस्टेट होते थे, उनमें इरेक्ट वाली कंडीशन नहीं थी, वो सीधे कभी खड़े नहीं होते थे, वैसी कंडीशन उनमें एल्गी में नहीं पाई जाती थी। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनमें थैलस के जैसे स्ट्रक्चर होता है, प्रोस्टेट होते हैं, प्रोस्टेट मतलब कि सीधे खड़े भी रह सकते हैं, इरेक्ट प्रोस्टेट मिल होता है कि ये फर्श मतलब जमीन से अटैच होकर बढ़ सकते हैं, और इरेक्ट मीन्स खड़े हो सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं, मतलब ये दोनों कंडीशन इसमें पाई जाती है। लेकिन एल्गी में क्या था, प्रोस्टेट कंडीशन रहती थी, अधिकतर प्रोस्टेट कंडीशन रहती है। अब आता है तीसरा पॉइंट, हम लोग आते हैं ए एम्फीमियन। अब देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो कैरेक्टर की बात में क्या आएगा, कैरेक्टर की बात में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यह कहाँ पाया जाता है, यह कैसे स्थानों पर रहते हैं, ब्रायोफाइट कैसे स्थानों पर रहते हैं, नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ नदियों के किनारे पाए जाते हैं, इनको जल की भी आवश्यकता पड़ती है, इन्हें वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले अर्थ पे आने वाले पौधे हैं एम्फीबियन प्लांट, सबसे पहले अर्थ पे आने वाले पौधे हैं जिसे ब्रायोफाइट्स में रखा गया है। तो थैलस लाइक मतलब इनके रूट
जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा लेकिन वो रूट नहीं होगा। थैलस लाइक स्ट्रक्चर मतलब रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसे राइजोम कहते हैं। राइजोम कहते हैं जब इसकी स्ट्रक्चर हम अलग अलग स्पीसीज के बताएंगे तो सारी चीज उसमें आएगी। तो राइजोम जड़ को जड़ जैसी संरचना दिखाई देगी लेकिन उसको राइजोम कहते हैं। और लीफ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी लेकिन वो वास्तविक लीफ नहीं होगी। स्टेम जैसी आपको संरचना दिखाई देगी लेकिन वो वास्तविक स्टेम नहीं होगी। स्टेम किसे कहेंगे जिसमें जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट होता है। जब जाइलम फ्लोएम है ही नहीं तो स्टेम का हम कह नहीं सकते उसमें स्टेम है और लीफ कह नहीं सकते। तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है किसमें हम पार्ट को डिवाइडेशन नहीं कर सकते लेकिन दिखाई देते हैं थैलस के समान। लेकिन इसमें रूट जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं जिसे राइजोम कहेंगे। लीफ की जैसे भी स्ट्रक्चर दिखाई दे वास्तविक लीफ नहीं होगी। लेकिन स्टेम की जैसे भी संरचना दिखाई देगी लेकिन स्टेम जैसी नहीं होगी। और स्टेम हम नहीं कह सकते उसे स्टेम नहीं कह सकते क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल जो होता है संवहन बंडल जो होता है या डेवलपमेंट नहीं होता है। इसमें जाइलम फ्लोएम का निर्माण नहीं हुआ होता है अब आगे हम देखते हैं एम्फीबियन प्लांट इन्हें कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं एम्फीबियन प्लांट कहते हैं। एम्फीबियन मैंने बताया कि जैसे मेढक की एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेढक नदियों के किनारे पाया जाता है, जमीन भी रह लेता है और स्थल पिया जाता है। उसी प्रकार से अगर आपसे एम्फीबियन प्लांट पूछा जाए तो एम्फीबियन प्लांट जो होते हैं कौन होते हैं आपने जंतु बता सकते हैं। जंतु एम्फीबियन है, मेढक है। तो इसी प्रकार से आप एम्फीबियन प्लांट ब्रायोफाइट्स होते हैं जो जल थल की आवश्यकता नेसेसरी होता है। तो एम्फीबियन प्लांट होते हैं। ये कैसे होते हैं एम्फीबियन प्लांट होते हैं। राइजॉइड्स, देखिए अभी राइजॉइड्स की बात आई। राइजॉइड जो होता है, राइजॉइड क्या है, जैसे थैलस है, मान लीजिए थैलस है, थैलस प्लांट का थैलस है और यहाँ पे छोटे छोटे इस प्रकार से जमीन से अटैच हुआ ये राइजॉइड्स होता है। ठीक है, राइजॉइड जो होता है रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है लेकिन रूट वास्तविक रूट नहीं है। इसे हम रूट नहीं कहते हैं, इसे राइजॉइड कहते हैं। राइजॉइड क्या है, देखिए राइजॉइड यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, यह वन सेल से भी बना सकता है, एक सेल भी हो सकता है, मल्टीपल सेल के बने होते हैं, मतलब एक सेल के भी हो सकते हैं और मल्टीपल सेल से भी बने होते हैं। राइजॉइड जो होता है मल्टीपल सेल और यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल से भी बने होते हैं। कभी कभी राइजॉइड किसी किसी स्पीशीज एक सेल से होगा और मल्टीपल सेल मतलब बहुत सी सेल से बने होंगे। एक सेल से भी राइजॉइड बनते हैं और मल्टीपल सेल से भी बनते हैं। मल्टीपल यूनिसेलुलर मल्टीपल सेलुलर होते हैं। राइजॉइड कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं। दोनों प्रकार की कंडीशन किसी किसी स्पीशीज में पाई जाती है यूनिसेलुलर, किसी किसी में मल्टीसेलुलर पाई जाती है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे, लैक वैस्कुलर सिस्टम। लैक वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, लैक मीन्स नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। वैस्कुलर सिस्टम क्या है, जाइलम फ्लोएम क्या पौधे की इस पौधे मान लीजिए एक क्या है थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस थैलस में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट नहीं होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। तो जाइलम फ्लोएम एडवांस प्लांट में पाए जाते हैं। जैसे जैसे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आएंगी कि कहाँ से जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। अभी ब्रायोफाइट तक जाइलम फ्लोएम एल्गी में भी आपने नहीं देखा, वो तो सबसे प्रिमेटिव है। उसके बाद ब्रायोफाइट हम लोग आए, ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन क्या होता है, नहीं हुआ रहता है। इसीलिए इसे कहा जाता है लाइक वैस्कुलर सिस्टम, इसमें वैस्कुलर सिस्टम का निर्माण नहीं हुआ होता है, इसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं बनते हैं। तो इसमें वैस्कुलर सिस्टम जो होते हैं नहीं बनते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है। देखिए इनमें दो जनरेशन पाई जाती है, इसमें दो प्रकार की प्लांट की जैसे जनरेशन होती है, प्लांट की जैसे दिखाई देते हैं दो प्रकार की जनरेशन होती है और एक दूसरे के बाद आते हैं। मतलब एक बार गैमेटोफाइट होता है, एक बार स्पोरोफाइट आता है, फिर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट ये कंडीशन चलती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। दो प्लांट की कंडीशन आप देखते हैं इसमें, तो वही मैंने बताया कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कंडीशन होती है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये तो प्रोस्टेट है, इरेक्ट वाले अगर कोई, देखिए मैंने बताया था प्रोस्टेट और इरेक्ट, इनकी जो है प्लांट बॉडी कैसे होगी, प्रोस्टेट यहाँ पर जो प्लांट बॉडी बनाए हैं हम प्रोस्टेट बनाएं। अगर हम इरेक्ट बना दें इस प्रकार की कंडीशन होगी, प्लांट बॉडी अगर हम यदि इरेक्ट बनाए तो इसकी कंडीशन इस प्रकार होगी। इस प्रकार की अगर इरेक्ट वाले थैलस बनाया जाए तो इस प्रकार की कंडीशन दिखाई देगी। तो इरेक्ट के थैलस
अगर इस प्रकार बनाई जाए इरेक्ट में, इरेक्ट जो है ब्रायोफाइट इस प्रकार के होंगे, प्रोस्टेट इस प्रकार से होंगे, ठीक है। प्रोस्टेट में जमीन से अटैच हुए हो कुछ सहलग, और कुछ जो और डेवलप हो गए वो क्या है, इरेक्ट भी हुए, वो कुछ क्या है, वो इरेक्ट भी हुए। अब क्या हुआ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम देखते हैं अल्टरनेशन में, मैंने बताया कि पहले गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, एक दोनों अल्टरनेट जनरेशन आती है इसी, मतलब एक के बाद एक आती है, इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, देखिए इसके गैमेटोफाइट को हम इतना कह सकते हैं, ये गैमेटोफाइट है और ये भाग क्या है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में गैमेट का निर्माण होता है और स्पोरोफाइट में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। गैमेटोफाइट प्लांट जो है गैमेट का फॉर्मेशन करता है, जब स्पोरोफाइट बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, स्पोरोफाइट स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से, तो इसका देखिए आप कहेंगे कि दोनों एक ही लगा हुआ है, पहले गैमेटोफाइट आता है फिर स्पोरोफाइट बनता है, तो इसी को एक कंडीशन जो आती है इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट में क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब गैमेटोफाइट की कुछ विशेष, ये गैमेटोफाइट मैंने कहा ये गैमेटोफाइट है, गैमेट का निर्माण यहाँ यहाँ यन के रूप में होता है पौधा, और एक टू यन के रूप में होते हैं, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं, इसको स्पोरोफाइट कहते हैं। जैसे आप जो भी पौधे एडवांस प्लांट देखते हैं वो कैसे होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं, और गैमेटोफाइट उसकी बहुत छोटी सी कंडीशन होती है, जो गैमेट उसके फ्लावर में बनते हैं, पोलन ग्रेन्स में जो बनते हैं वो गैमेट्स है, एक्स जो बनता है उसके मादा आर्किगोनियम में बनता है वहाँ पे एक बनते हैं वो गैमेटोफाइट, बहुत शॉर्ट पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों पार्ट एडवांस हैं, दोनों गैमेटोफाइट भी एडवांस है, कुछ समय बराबर समय तक दोनों इन्वॉल्व रहते हैं, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो है ये दोनों अल्टरनेशन होते हैं जनरेशन में। अब आते हैं हम गैमेटोफाइट क्या है, हम लोग गैमेटोफाइट की बात करते हैं, जैसे गैमेटोफाइट मान लीजिए क्या है, गैमेटोफाइट है, अब इसमें स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, अभी इसको बताएंगे लाइफ साइकिल में। तो गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, इसमें सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट में किसी में भी, गैमेटोफाइट में किसी में भी सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। सेक्स ऑर्गन्स कौन होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, देखिए यहाँ पे एंथ्रीडियम है, यहाँ पे क्या है, ये मेल थैलस है, ये क्या है, मेल थैलस है, और ये फीमेल थैलस है, फीमेल फीमेल थैलस है, और मेल थैलस में एंथ्रीडियम पाया जाता है, मेल थैलस में एंथ्रीडियम निर्माण होता है, और फीमेल थैलस में जैसे मैंने बताया था आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के नाम पे ही तो इन्हें आर्किगोनाइट्स कहा जाता है। इसके पहले वाले जो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो उसको देख लीजिए, आर्किगोनाइट्स है क्या चीज, आर्किगोनियम जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे आर्किगोनाइट्स कहते हैं, ऐसे प्लांट को हम आर्किगोनाइट्स कहते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, तो ये आर्किगोनाइट्स प्लांट होते हैं जिसमें आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है। एक वीडियो आपको आर्किगोनाइट्स का है वो आप देख लीजिए चैनल में। तो आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट है, फीमेल थैलस में बनता है आर्किगोनियम। अब ये क्या कर रहा है, गैमेटोफाइट होते हैं, ये गैमेटोफाइट होते हैं गैमेट का निर्माण करते हैं, मतलब एंथ्रीडियम बनता है, आर्किगोनियम बनता है, तो क्या करते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये मल्टी सेलुलर, भाई यहाँ पे बहुत से सेल्स बने हैं, ये बहुत से सेल्स बने हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। सेक्स ऑर्गन्स फोटोसेंसिटिक होते हैं, ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ये समझ लीजिए गैमेटोफाइट जो होते हैं क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, फोटोसेंसिस क्रिया होती है, जो सूर्य के प्रकाश में ये क्रिया होती है, ये अपना भोजन बनाते हैं, मतलब अभी हम गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं, फोटोसेंसिटिक होते हैं। आर्किगोनियम एंथ्रीडियम, देखिए आर्किगोनियम इस प्रकार की फ्लास्क की जैसे स्ट्रक्चर बनती है, जैसे मैंने यहाँ बनाया है, फ्लास्क की जैसे स्ट्रक्चर बनती है, और एंथ्रीडियम मेल का पार्ट है जिसमें क्या बनते हैं, एंथ्रोजॉइट बनते हैं। एंथ्रोजॉइट क्या होते हैं, टू बाइफ्लैजिलेट होते हैं, कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, एंथ्रोजॉइट जो होते हैं बाइफ्लैजिलेट होते हैं, और ये क्या होते हैं, जब निषेचन क्रिया होती है तो जल की आवश्यकता पड़ती है, देखिए वाटर की इन्हें नेसेसरी होती है, इसीलिए इन्हें एम्फीबियन प्लांट कहा गया है, बिना वाटर के अपनी लाइफ को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये जिंदा नहीं रह सकते हैं, मतलब इनकी लाइफ चल नहीं सकती है, तो जल की आवश्यकता क्या पड़ती है, एंथ्रोजॉइट जो होते हैं आर्किगोनियम के पास पड़ते हैं, एंथ्रोजॉइट यहाँ है, ये आर्किगोनियम के पास पहुंचने के लिए वाटर की नेसेसरी होती है। ये फ्लैजिला क्या काम करता है, मोमेंट करता है, यहाँ से चलता हुआ फिर धीरे धीरे आएगा, ठीक है,
कहाँ आर्क्यूगोनियम में एक के पास आएगा और यहाँ निषेचन क्रिया होगी। निषेचन क्रिया होने के बाद यहीं पे जायगोट बन जाता है, यहीं पे क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है। लाइफ साइकिल, हम ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल कैसी होती है देखिए, ये भी उसका कैरेक्टर है। लाइफ साइकिल भी ब्रायोफाइट का कैरेक्टर, कैसे उसमें लाइफ साइकिल चलती है, कैसे इन्वॉल्व होता है, किस प्रकार से वो लाइफ साइकिल चलता है, ये भी उसका एक कैरेक्टर होता है। अब हम देखते हैं, अब जब यहाँ से एंथ्रोजोआइट जो है मेल का एंथ्रोजोआइट कहाँ आ गया, आर्किगोनियम के एक के पास आया और निषेचन हुआ, या फिर निषेचन होने के बाद क्या बना, जायगोट बना, क्या बना, जायगोट बना। जायगोट जो होता है टू एन के रूप में, अभी सभी पौधे कैसे थे, ए एन के रूप में है, और एक कैसे था, एक जो है एन के रूप में था, ये जब मिल गया टू एन बनाया जायगोट। टू एन कहाँ बना, आर्किगोनियम में, देखिए बाहर कोई कंडीशन नहीं हो रही, केवल आर्किगोनियम के अंदर ही टू एन का निर्माण हो जाता है। अब हम कह सकते हैं जब निषेचन हुआ तो यहाँ क्या बन गया, टू एन हो गया, टू एन हो गया, जायगोट, जायगोट बना। अब जायगोट जो है इसी को हम एम्ब्रियो कहते हैं, इसी को हम एम्ब्रियो, यहाँ पे एम्ब्रियो क्यों कहते हैं, देखिए बीज से फल का निर्माण, बीज से जो है आप देखते हैं नेचुरल प्लांट, आप बीज बोते हैं नया पौधा आ जाता है जो स्पोरोफाइट होता है। आप जैसे नीम, आम, महुआ, जो भी आप खेती कर रहे हो, जितने भी अनाज की खेती कर रहे हैं, ये क्या है, डेवलप प्लांट है, स्पोरोफाइट है। ये कैसे है, स्पोरोफाइट, देखिए स्पोरोफाइट का निर्माण जो है एम्ब्रियो से फॉर्मेशन होता है, यहाँ से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण होता है। आपसे कहा जाए एम्ब्रियो का स्टार्टिंग स्टेज कहाँ से है, प्लांट में एम्ब्रियो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आप कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट से होता है, ब्रायोफाइट से एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाता है, एम्ब्रियोफाइट प्लांट हम कह सकते हैं, ब्रायोफाइट को एम्ब्रियोफाइट प्लांट हम कह सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया, स्टार्टिंग कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो बना, अब इस एम्ब्रियो में देखिए यहाँ पे स्पोरोफाइट का निर्माण, देखिए आप कभी सीड को बोते हैं तो सीड में कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस या डिवीजन, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा एक नया पौधा बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। आप कोई भी सीड बोते हैं तो नया पौधा बन जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, अब इनमें जायगोट में एम्ब्रियो से क्या हुआ, माइटोसिस या डिवीजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन हुआ, अब स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ। स्पोर जो एक जैसे हम नेचुरल प्लांट देखते हैं तो उसी को हम, अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें विभाजन होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर कोई इसका विभाजन होना शुरू हो जाएगा और ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, आगे एक ऐसे गुंबद स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। जैसे इसमें है देखिए यहाँ पर निषेचन क्रिया हुई, ये जो है स्पोरोफाइट टू एन जो बना है, टू एन जो बना है, यहाँ से जो यहाँ पे निषेचन क्रिया होने के बाद टू एन यहाँ पे बना और यहाँ पे जर्मिनेट माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ और तब भी स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ, तब ये स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट पूरा नहीं लिख रहे हैं, स्पोरोफाइट स्पेस कम है, तो स्पोरोफाइट का निर्माण क्या हुआ, टू एन कंडीशन में यहाँ निषेचन क्रिया हो गई, यहाँ मादा आर्गन रहा होगा, आर्किगोनियम रहा होगा और यहाँ पे निषेचन क्रिया होने के बाद ही स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ, ही उसके बाद ही स्पोरोफाइट बना। तो वही चीज हम प्रोस्टेट वाले में देख रहे हैं, ये एरेक्ट है, एरेक्ट ब्रांच है, एरेक्ट स्पीसीज है, ये क्या प्रोस्टेट है, मतलब थैलस लगा हुआ जमीन से अटैच हुआ रहा है, तो इसमें भी स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ, स्पोर बने। देखिए यहाँ से माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, क्या हुआ, यहाँ से माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ और बढ़ता हुआ चला गया। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में माइटोसिस सेल डिवीजन, माँ के गर्भ में जब एक सेल बनती है तो वहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जब निषेचन क्रिया के बाद एक इम्ब्रियो बनता है उनमें माइटोसिस क्रिया होती है, माइटोसिस क्रिया होने के बाद बेबी का निर्माण होता है और बेबी एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी है ना, यहाँ जाएगा निषेचन क्रिया टू एन हुआ, टू एन होने के बाद इसमें कौन सा माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ और एक स्पोरोफाइट, एक नया पौधे के हम कह सकते हैं एक नया जनरेशन आ गई, नई जनरेशन आ गई, इसी को तो हम कह रहे हैं ना, दो प्रकार इनकी जनरेशन कैसी, एक गैमेटोफाइट है, एक स्पोरोफाइट है, तो दोनों का अल्टरनेशनल जनरेशन आता रहता है। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट जो बना, अब बाद में क्या होता है, इसमें अग्रभाग पर एक ट्रिपिकल टर्मिनल पोर्शन पोर्शन पे एक इसका चौड़ा भाग हो जाता है जिसे कैप्सूल कहते हैं और उसमें मियोसिस से डिवीजन होता है। यहाँ पे कैसा होगा, देखिए स्पोर बना, स्पोरोफाइट में स्पोर मियोसिस से डिवीजन हुआ, मियोसिस से डिवीजन से स्पोर बना। अब यहाँ पे मियोसिस से डिवीजन होता है, यहाँ की सेलों में टू एन जो था ये सब टू एन है, टू एन जो था, अब टू एन सेल में जो है क्या कैसे विभाजन हुआ, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ और स्पोर बने, कैसे बने, स्पोर बने। और ये स्पोर जब अधिक मात्रा में बन जाते हैं तो कैप्सूल की जो भित्त होती है, जिसकी वाल होती है, वह ब्रेक हो जाती है या डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है और स्पोर क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, स्पोर फ्री हो जाते हैं, स्पोर क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। इनमें बहुत से स्पोर इसलिए बनते हैं, देखिए
ज़्यादातर हम लोग एलगी में देखे हैं कि वहाँ पे स्पोर जो बनते थे, वहाँ पे जो स्पोर बनते थे लगभग 4-5 स्पोर बनते थे 8 बन जाते थे, तो बहुत कम बनते थे। लेकिन यहाँ पे हजारों की संख्या में स्पोर बनते हैं। क्यों? क्योंकि यह स्थल पे आया गया। स्थल पे आने के कारण क्या हुआ, कुछ स्पोर तो बाहर चले गए, अर्थ में है तो नष्ट हो जाते हैं, कुछ ह्यूमिड जो सैडी प्लेस में है तो जीवित रह गए और जर्मिनेट किए। तो इस प्रकार से इनमें स्पोर की संख्या ज़्यादा बनती है, किसकी अपेक्षा, एलगी की अपेक्षा। तो एलगी में स्पोर बनते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत कम मात्रा में बनते हैं। और आप देखते हैं स्पोरोफाइट एक पूरा क्या है, स्पोरोफाइट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्पोरोफाइट है। इसमें इनकी शरीर मियोसिस से डिविजन स्पोर बना, स्पोर का जर्मिनेशन होता है। देखिए स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो प्रोटोनिमा बनता है। सबसे पहले पहली कंडीशन को, जैसे कोई स्पोर है, मान लीजिए स्पोर है, एक स्पोर है, जब ये जर्मिनेट करेगा, सेल्फ डिविजन करेगा, तो क्या करेगा, ये सबसे पहले इसी सबसे पहले जो जर्मिनेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जब थैलस का बनाना शुरू करेगा उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रोटोनिमा किस में कंडीशन आती है, कैसा कंडीशन है, किस में पाई जाती है। ब्रायोफाइट में सबसे पहले जब स्पोर का जर्मिनेशन शुरू होता है, स्पोर दो प्रकार के बन सकते हैं। अगर स्पीशीज दो हैं, मान लीजिए मदर फादर दो अलग अलग हैं, तो स्पोर दो प्रकार के बनेंगे। एक मेल का स्पोर बनेगा, एक फीमेल का स्पोर बनेगा। मेल का स्पोर जो है मेल का थैलस बनाएगा, फीमेल का स्पोर फीमेल के थैलस को बनाएगा। और जब पहला जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, प्लांट स्टार्टिंग प्लांट की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा कहते हैं। प्रोटोनिमा एक स्पेशल कैरेक्टर है किसका, ब्रायोफाइट का भी हम कह सकते हैं, प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रोटोनिमा का निर्माण किसके द्वारा होता है, स्पोर के द्वारा होता है। प्रोटोनिमा स्पोर जब जर्मिनेट करता है, स्पोर का जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बनेगा। प्रोटोनिमा के बाद गैमेटोफाइट प्लांट बनेगा। प्रोटोनिमा के बाद कौन सा, गैमेट का प्लांट बनेगा। प्रोटोनिमा बना, प्रोटोनिमा गैमेटोफाइट प्लांट बना, नर मेल और फीमेल। प्रोटोनिमा दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मेल का हो सकता है, फीमेल का हो सकता है। अब हम आते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। आर्किगोनियम आपको समझ में आ गया, आर्किगोनियम फीमेल का पार्ट है। एंथ्रीडियम आपको समझ में आ गया, या मेल का पार्ट है, ठीक है, जिसमें एंथ्रोजॉइट बनते हैं, एंथ्रोजॉइट निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार का लाइफ साइकिल होता है। जब हम और स्पीशीज का लाइफ साइकिल बताएंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। जायगोट, जायगोट डेवलप मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, अभी मैंने बताया, अभी आपको समझा दिया। जायगोट यहाँ बनाना, जायगोट बना, क्या कह रहा है, डेवलपमेंट मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, यह डेवलपमेंट होकर मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट का निर्माण कर देता है। वही चीज है, स्पोरोफाइट फिर क्या करता है, अब स्पोरोफाइट क्या करता है, वही चीज लिखा हुआ है। स्पोरोफाइट सेमी पैरासाइट, यह सेमी पैरासाइट जो होता है, फूड डिपेंड नहीं होता है। फूड देखिए, ये भोजन आप कहेंगे कि गैमेटोफाइट तो हरा होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। गैमेटोफाइट प्लांट हरा होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन स्पोरोफाइट प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है, यह किस पर डिपेंड है, यह जो है गैमेटोफाइट पौधे पर डिपेंड है, सेमी पैरासाइट है, पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं है। कुछ मात्रा में अपना भोजन स्वयं भी बना लेता है, लेकिन पूर्ण रूप से कुछ मात्रा में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, लेकिन अधिकतर भोजन के लिए किस पर डिपेंड है, गैमेटोफाइट पर है। स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड है, गैमेटोफाइट पर डिपेंड है। जैसे माता पिता के बच्चे क्या है, जब तक कुछ काम नहीं करते किस पर डिपेंड होते हैं, अपने माता पिता पे। उसी प्रकार से स्पोरोफाइट इसका बच्चा है, किसका, गैमेटोफाइट का, तो इस पर डिपेंड रहता है, हर समय सेमी डिपेंड होता है, सेमी पैरासाइट होता है। या कुछ मात्रा में हमें भोजन देते रहिए और अपना भोजन खुद बना लेता है, क्योंकि जल और खनिज लवण कौन लेता है, गैमेटोफाइट लेता है। जल पाएगा नहीं तो यहाँ से ले लेगा, तो सेमी पैरासाइट कुछ भोजन बना लेगा, लेकिन यह क्या है, सेमी पैरासाइट होता है। जल तो इसकी राइजोम से जुड़ा नहीं है, राइजोम तो मदर से है, मदर हम कह सकते हैं ना इसको, गैमेटोफाइट जहाँ से डेवलप हो रहा है, तो यहाँ से जो है जल खनिज लवण लेता है, लेकिन स्पोरोफाइट जल खनिज डायरेक्ट नहीं ले पा रहा है, तो ये सेमी पैरासाइट का लग सकते हैं। ये सेमी पैरासाइट होता है, न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड होता है, किस पे, गैमेटोफाइट पे, लेकिन कुछ भोजन अपने से बना लेता है, तो सेमी पैरासाइट होता है। कैसा होता है, स्पोरोफाइट जो होता है ये सेमी पैरासाइट होता है, एंड डेवलपमेंट, देखिए, एंड डिपेंडेंट गैमेटोफाइट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पर। न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है, मतलब इंडिपेंडेंट क्या है, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, और एक मिनट, स्वतंत्र, देखिए डिपेंड, स्पोरोफाइट जो होता है सेमी पैरासाइट होता है, एंड डिपेंडेंट, ये डिपेंड होता है, इस पे निर्भर होता है, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है, वो अपना भोजन सब कुछ अपने से कर लेता है। स्वतंत्र कौन होता है, जैसे आप डिपेंड हो जाओ,
डिपेंड हो जाओ, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओ। इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता कहते हैं ना आप, स्वतंत्रता कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस कौन होता है? जो स्वतंत्र हो, मतलब उसे अब किसी की जरूरत नहीं है, वो अपना कार्य सब कुछ कर सकता है। जैसे बच्चे होते हैं, जब कमाने लगे तो माता पिता का क्या होता है, वह इंडिपेंडेंट हो जाता है, वह स्वतंत्र हो जाता है, अपना काम करने लगा, तो वो माता पिता पर डिपेंड नहीं रहा। उसी प्रकार से स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट क्या है, वह क्या है, वह डिपेंडेंट है। लेकिन गैमेटोफाइट क्या है, वह इंडिपेंडेंट है, मतलब वह स्वतंत्र है, वह किसी से भोजन आश्रित नहीं है। लेकिन इसका बच्चा जो है स्पोरोफाइट हर समय डिपेंडेंट होता है, किस पर, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है हर समय गैमेटोफाइट पर। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होता है और डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सेमी पैरासाइट होता है, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट को होता है न्यूट्रिशन के लिए। अब आते हैं स्पोरोफाइट क्या होता है। स्पोरोफाइट म्यूसिस सेल डिवीजन करता है, अभी मैं आपको बताया। स्पोरोफाइट म्यूसिस सेल डिवीजन के बाद स्पोर बनते हैं। देखिए एम्ब्रियो बनता, एम्ब्रियो माइटोसिस सेल डिवीजन है, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट यहां तक विभाजन जो हो रहा है, यहां कैसा हुआ, माइटोसिस समसूत्री हुआ। अब इसके बाद जब अग्र भाग पर टर्मिनल पोर्शन पर क्या हुआ, यहां पे म्यूसिस सेल डिवीजन हुआ, वही बताया जा रहा है। यहां पे स्पोरोफाइट में कैसा विभाजन हुआ, म्यूसिस सेल डिवीजन हुआ एंड डेवलप म्यूसिस सेल डिवीजन हैप्लॉइड गैमेट बने, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड गैमेट बने। यहाँ पे हैप्लॉइड यंग के रूप में गैमेट बने, जिसे हम स्पोर कहते हैं, हम जिसे क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में या स्पोर, हैप्लॉइड गैमेट बने, जिसे हम स्पोर कहते हैं। गैमेटोफाइट नहीं लिखे, हम स्पोर कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोर कहेंगे, स्पोर कहेंगे। तो ये स्पोर बने और जब ये स्पोर जनरेट करके क्या बनाते हैं, प्रोटोनिमा बनाते हैं। प्रोटोनिमा के बाद मेल और फीमेल थैलस बनाएंगे। अगर दो प्रकार की स्पोर है, ये दो थैलस अलग अलग भी हो सकते हैं, एक थैलस पे भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ स्पीसीज में मोनोसियस होते हैं, कुछ होते हैं डायोसियस होते हैं। मोनोसियस मतलब एक ही थैलस पे दोनों मेल और फीमेल हो, डायोसियस मतलब अलग अलग हो। जब मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में हो, उसे डायोसियस कहते हैं। मोनोसियस मीन्स ये कैसे है, आपसे कह दिया जाए ये कैसे स्पीसीज है, यह कैसी स्पीसीज है, ये डायोसियस है। मोनोसियस मीन्स एक ही पौधे पर दोनों, मोनो मीन्स एक ही पे ही दोनों, अपना लाइफ मतलब मेल और फीमेल दोनों, तो ये डायोसियस स्पीसीज है, हम इस प्रकार से कह सकते हैं। अब आगे हम आते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो क्या बनाता है, प्रोटोनिमा बनाते हैं। स्पोर से जर्मिनेशन के बाद क्या बनाते हैं, जर्मिनेशन के बाद प्रोटोनिमा बनता है। प्रोटोनिमा बनता है और प्रोटोनिमा से गैमेटोफाइट बनता है। प्रोटोनिमा से क्या बना, गैमेटोफाइट प्लांट बन गए। जुएनिल गैमेटोफाइट नोन एज प्रोटोनिमा। जुएनिल जब स्टार्टिंग जर्मिनेशन होता है, जुएनिल जब उसका बच्चा स्टार्ट होता है, मतलब डेवलपमेंट होना शुरू, जैसे ह्यूमन में मान लीजिए एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, वो डेवलपमेंट होने लगा, उसी को इसी प्रकार से इसका एम्ब्रियो जो बना, भ्रूण बना, जो गैमेटोफाइट का निर्माण जब होना, स्पोर जर्मिनेट करने लगा, स्पोर कहीं स्पोर जो है किसी सुटेबल स्पेस पर पहुंचा और वहां पर जर्मिनेट करना शुरू हुआ। जब जब जर्मिनेशन शुरू हो गया, जर्मिनेशन शुरू हुआ, तब स्टार्टिंग स्टेज को प्रोटोनिमा कहते हैं, वही बताया गया यहाँ पे। प्रोटोनिमा क्या है, जुएनिल्स गैमेटोफाइट नोन एज प्रोटोनिमा। जब वो स्टार्टिंग उसी का जर्मिनेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोनिमा कहते हैं। स्पोरोफाइट डिफरेंटिएटेड इनटू, देखिए अब एक चीज आपको और भी समझना है, स्पोरोफाइट डिफरेंटिएटेड, स्पोरोफाइट कितने भागों में डिफरेंटिएट होता है। अब हम आते हैं स्पोरोफाइट जो होता है कितने भागों में डिफरेंटिएट होता है। अब एक फिगर आपको फिर बना देते हैं, तब समझ में आएगा। अब देखिए क्या है, ब्रायोफाइट प्लांट है, अब इरेक्ट प्लांट है, इस प्रकार का प्लांट नहीं है, इरेक्ट प्लांट में आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, प्लांट का क्या कर रहा है, स्पोरोफाइट डिफरेंटिएटेड इनटू फूट सीटा एंड कैप्सूल, डिफरेंटेड इनटू फूट सीटा एंड कैप्सूल। देखिए फूट क्या है, सीटा क्या है, कैप्सूल क्या है, इसके प्लांट बॉडी को तीन तीन पार्ट में डिफरेंटिएट कर सकते हैं, फूट सीटा एंड कैप्सूल, फूट सीटा एंड कैप्सूल में हम डिफरेंटिएट कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, तो थोड़ा सा इसका समझ में कम आ रहा है ना, अब आएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा सेटअप इसका अब सही है, समझ कम, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कम हो गया लाइट, ठीक है।
अब देखते हैं हम, थोड़ा सा लाइट ऑन कर दे, अब हो गया स्पोरोफाइट डिफरेंटिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल, फूड सीटा एंड कैप्सूल। देखिए फूड सीटा एंड कैप्सूल क्या है, कैप्सूल जो है एक गोला भाग, जो जितना ये गोला भाग है इसी को कैप्सूल कहेंगे, कैप्सूल कहेंगे, और इसके स्पोरोफाइट कितने भाग को हम सीटा कहेंगे, क्या कहेंगे, सीटा कहेंगे, और इसके भाग को फुट कहेंगे, फुट कहेंगे, फुट सीटा एंड कैप्सूल। इनके प्लांट बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, सबसे पहली गोल वाले स्ट्रक्चर को कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, जिसमें स्पोर बनते हैं, मियोसिस डिवीजन जहाँ होता है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। सीटा स्पोरोफाइट के अदर पार्ट जहाँ से गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है, वहाँ से लेकर जहाँ पर कैप्सूल जुड़ा होता है उसको हम सीटा कहते हैं, जैसे हम गला कह सकते हो, गर्दन, हाँ हम लोगों का सिर है, सिर क्या है, कैप्सूल हो जाए, और सीटा क्या है, गले को हम क्या कहें, सीटा कह दें, और नीचे के भाग को फूट कह दें। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम जो होता है ब्रायोफाइट में देख सकते हैं, सीटा कैप्सूल फूट में, इनका प्लांट बॉडी डिफरेंटिएट होता है, स्पोरोफाइट डिफरेंटिएटेड, स्पोरोफाइट जो होता है, एक मिनट, स्पोरोफाइट का नीचे का भाग होगा, स्पोरोफाइट का डिफरेंटिएट फूट सीटा एंड कैप्सूल। तो ये जो नीचे का पोर्शन पूरे पार्ट को ठीक है फूट ही कहेंगे, पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, फूट कहेंगे। जब ये पूरा पूरे प्लांट को हम स्पोरोफाइट कह सकते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट का पूरा डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो हम पूरे प्लांट को स्पोरोफाइट तो यही होता है, लेकिन पूरे प्लांट को स्पोरोफाइट पूरी बॉडी को हम बांटेंगे, क्योंकि ये प्लांट पूरे जहाँ पर डिपेंड है उसकी पूरी स्ट्रक्चर को हम लेंगे, क्योंकि कैप्सूल सीटा फूट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। वैसे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप अपना नोट्स बनाइए और रेगुलर मेहनत करिए, क्योंकि आपका माइंड डेवलपमेंट कभी तभी होगा जब अपने आप स्टडी को बरकरार रखेंगे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग रेगुलर पढ़िए, और यदि हमारा चैनल जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ भी हेल्पफुल लग रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें, और जिसको ज़रूरत है आप उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट्स लिखिएगा कि क्या आपको कैसे लगा वीडियो, जो आपको मैंने समझाया गया और क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको देखूंगा और उस पर ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।